पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। हाँ जी तुम बताओ, किसी का 12,864 यही है, कैसे करेंगे? तेरह हजार 400 गुना 96/100, पक्की बात है, सबका यही है, दो जीरो से दो जीरो खत्म, 96 गुना 134 करनी है, हो जाएगा कितना? हाँ इसका कर सकते हो लेकिन उसका नहीं कर सकते, एसपी से सीपी दे दिया तो इसलिए दो जगह मत भगो, मैं तुम्हें सलाह यही दूंगा, दो जगह मत भगो, गलती कर जाओगे फिर तुम उसमें भी यही काम करोगे फिर, और वहां वो गलत हो जाएगा जैसे पहले ये कर रहे थे, अभी आज 4 दिन पहले ये जो कर रहे थे गलती हो जाएगी। ये अगर विक्रय मूल्य होता और 4% की हानि होती और तब तुम वो काम करते, 100% क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मेरी सलाह यही है, फॉर्मूला भी लिखवा दिया था ये तो पूरा का पूरा, कि सीपी से एसपी निकालना है तो 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटे 100 हो जाएगा। दूसरा ये क्वेश्चन किसका हुआ, सेकंड वाला नहीं हुआ है जी, क्या कर रहे हो, जितनी कसर हुई है उतनी बता दो। अट्ठाईस सौ साठ राइट हैंड पे लिया, लेफ्ट हैंड पे, राइट पे बराबर के बाद आएगा ना वो, तो मान लो ए ने खरीदी एक्स रुपए में, ये रख दो 5 है, पहला तो 105 है ना, 105/100, दूसरे ने बेची और तीसरे ने खरीदी, ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा, जीरो से जीरो कट गई, 5 से काटा 21 बार, 5 से काटा 20 बार, ठीक है, 21 ये कटेगा जरूर, 21 एकम 21 नहीं कट रहा, 11 दूनी 22, 11 से कटेगा, देखो 11 एकम 11 दूनी और 11 छक्का, ठीक है, पॉइंटों में आ रहा आंसर, पॉइंटों में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, तो लो 20 गुना 10 और गुना 260 बटे 21, ठीक है, 7 किया 21 7 किया, अप्रोक्स ले लो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, अब क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं है वरना आंसर देख लेते, कौन सा क्वेश्चन था ये, 20% लाभ नहीं, 20% थोड़ी था ये, 5% वाली है ना, अरे 5 10 ये है ना, 2310 है ये 2310 है, ठीक है, इसे कोई बात नहीं, हाँ तो 2860 की जगह क्वेश्चन में 2310 है इसलिए नहीं हो रहा, बाकी इसे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना तो तुम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रख लो, जैसे ये 21 20 है तो 7 किया 21, क्योंकि यहाँ 21 आ रहा है तो 3 से काट लिया, कैसे कैसे काटा था, 7 किया 21 और ये पूरा का पूरा ही कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और ये कितना बन जाएगा 2600। अब 2600 में जब तुम्हारे सामने विकल्प आएगा ना, या तो वो 2605 2610 2613 ऐसे मिल रहा होगा, इतने नजदीक नजदीक नहीं मिलेंगे, ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को दोबारा कर लेना, यहाँ पे 2860 की जगह 2310 है, फिर हो जाएगा 2310, ठीक है, दोबारा कर लेना। तीसरे सवाल का आंसर बताओ, 15% हानि पे बेचा, अगर वह उसे 30.60 में बेचता तो उसे 9% का लाभ होता, 10% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेची बताओ, बिल्कुल, देखो एक बार हानि है एक बार लाभ है, सॉरी एक बार ये वाला नहीं है, ये तो बाद का है, ये तो हमसे पूछा है, 15 और 9 24 और 24% की वैल्यू कितनी है 30.60, ठीक है, पॉइंट हटाया 100 हो गया, 24 से ये कटेगा जरूर, 12 दूनी 24 12 5, देखो 12 दूनी 24 12 5 12 दूनी 12 5 60 और 12 5 60, ठीक है, 2% की वैल्यू कितनी आ गई 255/100, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 255 बटे
100/2, हालांकि ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे तुम। पहले मैं ये वाला सवाल हटा रहा हूं। चौबीस परसेंट की वैल्यू कितनी है? 30.60। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 30.60/24। ठीक है, अब पॉइंट हटाया, गुना 100 होगी, हो जाएगी, होगी कि नहीं? अब क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे 10% के लाभ पे, अगर वो मुझसे पूछता क्रय मूल्य कितना है तो मैं गुना 100 कर देता है जी। तो वो कह रहा है यदि वह 10% का लाभ प्राप्त करे तो उसे कितने में बेचे। अब 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए 100 की चीज को कितने में बेचना पड़ेगा? 110 में। तो गुना कितने की कर देंगे हम? बटे 100 नहीं, क्योंकि परसेंट में चल रहा है हमारा क्वेश्चन, परसेंट तो चल रहा है ना, सारी चीजें परसेंट में ही आ रही है। कैसे इसका सी, देखो इसका सीपी निकालोगे तो ये गुना 100 करोगे, 100 से 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा, फिर तुम्हें दोबारा बेचनी पड़ेगी 10% के लाभ पे। अगर गुना 110 करोगे सीधा सीधा विक्रय मूल्य आएगा। चौबीस बटे 100 नहीं है, बटे तो मैंने पॉइंट हटाया है बस। तो यहां सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, 110 कर देंगे, तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी क्योंकि ये बन रहा था 100। अब क्या बचा? 12 दूनी 24, 12 5 60, 12 5 60, 255। इससे गुना करोगे, 255 का आधा कितना होता है? 250 का 125, 125.5 गुना 125 ही तो आएगा, हाँ 127.5 गुना 11 है, ये इसका आंसर आ जाएगा, पॉइंट तो ना आ रहा होगा पक्का। नेक्स्ट, ये वाला कितना आसान सवाल था, 1.44% की हानि आएगा। क्यों आएगा? अभी अरुण ने भी बताया था कि सेम 12% का लाभ है, सेम 12% की हानि है, तो जब किसी वस्तु को एक समान मूल्य पे बेच रहे हैं उतने ही परसेंट का लाभ और उतने ही परसेंट की हानि होती है, तो दोनों की गुना बटे, और हर केस में हानि होगी। ये सवाल अभी कराया था कि 12 का एसपी बराबर है 15 के सीपी के, यही तो बोल रहा है कि भाई 12 का बिक्री मूल्य 15 के लागत मूल्य के बराबर है, तो लागत मूल्य एसपी कितना आ गया, सीपी कितना आ गया। अब इसमें भी कंफ्यूजन हो गई होगी कि सीपी नीचे क्यों आ गया जी, अब जैसी डिमांड है क्वेश्चन की वैसे ही तो आएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई, बाद में यहां पे जैसे सोल्व करके वैसे लिख लो तुम, लेकिन नंबर सेम रहना चाहिए उसके साथ। कभी तुमने ये कर दिया कि 12 का सीपी बराबर 15 के एसपी, वो गलत हो जाएगा फिर। अब 15 में बेच रहे हो, 12 में खरीद रहे हो, कितने का लाभ ले रहे हो? 3 का। कितने पे ले रहे हो? 12 पे। ये हो गए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन तो यही तो था, ये गुना करके आ जाएगा आंसर 11 5 55 का 5, 11 7 77 78 79 77 5 82, 11 2 22 8 30, 11 कम 11 12 13 14, ये आ रहा होगा।